लगातार नियमित अभ्यास, कठिन परिश्रम, गुरु की आज्ञा का पालन करना सुरेंद्रनाथ पहलवान से बखूबी सीखा जा सकता है। बिना संसाधनों के कुश्ती में जो ऊंचाइयां पहलवान सुरेंद्रनाथ ने प्राप्त की, वह ऊंचाइयां कई लोगों का सपना बनकर रह जाती है। कठिन परिश्रम की बदौलत ही इस पहलवान को कई उपनाम भी मिले, जिनमें भिवानी का शेर, नाड पहलवान, खरा सोना प्रमुख उपनाम है। पहलवान सुरेंद्र नाड के मुताबिक सफलताएं तुक्के का तीर नहीं होती, कठिन परिश्रम के द्वारा प्राप्त की गई सफलताएं ही मनुष्य की पहचान बनाने में कारगर होती है। पहलवान बनने के लिए क्या जरूरी है के सवाल पर सुरेंद्र नाड बताते हैं कि अच्छा भोजन, नियमित अभ्यास, व्यायाम और आराम पहलवानी ही नहीं हर खेल की जड़ होती है। शरीर जरूर कुदरत का उपहार माना जाता है, यह भी सत्य है कि पहलवान सुरेंद्र नाड़ अपने भीमकाय शरीर तथा पहलवानी की वजह से लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रहे। पहलवान सुरेंद्र नाड़ को देखने के लिए अक्सर भारी भीड़ इकट्ठा हो जाया करती थी। पहलवान सुरेंद्र नाड़ जितने बड़े पहलवान है, दिल के भी उतने ही बड़े है। शोहरत के मामले में सुरेंद्र नाड़ ने बुलंदियों को जरूर छुआ, लेकिन स्टारडम उन पर कभी भी हावी न हो पाया। सादगी और उच्च विचार पहलवान जी में आज भी कूट कूट कर भरे पड़े हैं। पहलवान सुरेंद्र नाड़ के गुरु महंत वेदनाथ जी उन्हें कई बार खरा सोना कहकर बुलाया करते थे। वास्तव में सुरेंद्र नाड़ पहलवान खरा सोना ही थे। जिस समय सुरेंद्र नाड़ पहलवान कुश्ती में ऊंचाइयां छूने लगे थे, तब बड़े बड़े कोच और खलीफा सुरेंद्र नाड़ को अपने पास बुलाना चाहते थे। तरह तरह के प्रलोभन भी पहलवान सुरेंद्र नाड़ को दिए गए, लेकिन पहलवान सुरेंद्र नाड़ अपने गुरु महंत वेदनाथ को छोड़कर कभी नहीं गए। ऐसे शिष्टाचारी शिष्य भी दुनिया में कभी कभी जन्म लेते हैं। वर्तमान समय में पहलवान सुरेंद्र नाड़ भिवाणी में लोहर रोड पर अपना अखाड़ा चलाते हैं, जहां पर बच्चों के रहने खाने पीने की सब व्यवस्था है। पहलवान जी मैट और मिट्टी दोनों जगहों पर बच्चों को कुश्ती के दांव पैंच सिखाते हैं। बताते चले, पहलवान सुरेंद्र नाड़ का जन्म हरियाणा में भिवाणी जिले के खत्तीवास गांव में 3 जुलाई सन 1975 को हुआ था। पहलवान सुरेंद्र नाड़ के पिताजी का नाम दुली चंद व माताजी का नाम इंद्रावती देवी था। फौलादी बदन व मोटी गर्दन की वजह से लोग सुरेंद्र को नाड़ पहलवान के नाम से पुकारने लगे थे। नाड़ पहलवान जी 2 बार भारत केसरी रहे, 2 बार इंटरनेशनल सिल्वर मेडलिस्ट रहे। यही नहीं, पहलवान सुरेंद्र नाड़ ने 16 बार नेशनल में मेडल प्राप्त किए और 19 बार ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में मेडल प्राप्त किए। साल 2004 में सुरेंद्र नाड़ पहलवान जी की शादी एकता देवी के साथ हो गई थी। साल 2014 तक पहलवान सुरेंद्र नाड़ अपनी कुश्ती का लोहा मनवाते रहे। 31 जुलाई साल 2019 को नाड़ पहलवान जी CISF से रिटायर हो गई थी। आज भी सुरेंद्र नाड़ पहलवान को देश ही नहीं विदेशों में भी नाड़ पहलवान के नाम से जाना जाता है। वीडियो का मुख्य उद्देश्य था पहलवान सुरेंद्र नाड़ को खरा सोना क्यों कहा जाता है। इस प्रश्न का जवाब है कि सुरेंद्र नाड़ पहलवान ने ऊंचाइयां छूने के बाद भी, अनेक प्रलोभनों के मिलने के बाद भी अपने गुरु महंत वेदनाथ को नहीं छोड़ा था। इसीलिए लोग आज भी पहलवान सुरेंद्र सिंह नाड़ को खरा सोना कहते हैं। धन्यवाद।